आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमने सेल्फ इरिगेशन किट लिया है और किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा, इसमें हमें क्या क्या मिला है और कैसे कैसे हम उन सामान को अरेंज करके जो है एक सक्सेसफुल इरिगेशन सिस्टम तैयार करेंगे अपने टेरेस गार्डन के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, और पसीना आप देख रहे होंगे, आज वैसे बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है दिल्ली का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो वही उसी का थोड़ा बहुत कुछ मतलब कर रहे हैं जुगाड़। तो हमारे प्लांट्स हैं मैंने आपको दिखाए, तो वो सूखे ना, इसलिए जो है हमने मंगवाई है सेल्फ इरिगेशन किट और वही अब हम लगाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने पाइप को खोलना शुरू कर दिया है और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो किट हमने मंगवाई है ना 10 पॉट्स के लिए, यानी 10 पॉट्स में इसका जो ड्रॉप जो इरिगेशन होगी वो 10 पॉट के लिए ही लिमिटेड है। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे ये अरेंज करेंगे। मुश्किल तो लग रहा है क्योंकि इतने सारे इसमें चीज़ें दी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा, और कैसे कैसे लगनी है पता नहीं। देखते हैं, मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है देखने की, आपको भी हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस किट में हमें जो है 2 पाइप्स मिलती हैं और ये देखिए ये टेप है और ये जैसे कुछ टाइट करना होता है जॉइंट्स को, मतलब जो है बांधना होता है ना, जॉइंट करना होता है जॉइंट्स को, तो उस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हम जो साथ में इसके फनल मिली होती है ना, एक जो टैप पे लगती है, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। इस तरह का हमारे पास ये टूटी जिसे बोलते हैं ना देसी भाषा में, वो हमारे पास ऑलरेडी है और उसको थोड़ा सा टाइट मतलब मोटा करने की ज़रूरत हमें पड़ी तो हमने ये टेप जो है यूज़ की और इससे फिर हमारी मोटी वाली जो पाइप थी ना इजीली इसके अंदर चली गई। और ये देखिए ये यहाँ पे छोटी वाली पाइप को इस तरह से काटा है जितना जितना हाइट का हमारा गमला है ना, और इस तरह की ये देखिए ये एक क्लिप है तो ये भी ज्वाइन करेगी छोटी वाली पाइप को बड़ी वाली पाइप से, ताकि बड़ी वाली पाइप में जो पानी आएगा टैप से वो इन छोटी पाइप्स के थ्रू जो है इन गमलों में जा सके। और ये देखिए इसका माउथ है, ये यहाँ से कंट्रोल होगा कितनी स्पीड में, मतलब ड्रॉप ड्रॉप की स्पीड में चाहिए हमें कि बहुत फास्ट चाहिए, और ये वॉल्व है और वॉल्व से भी कंट्रोल किया जाता है पानी का फ्लो। तो एक जैसा ही फ्लो रहेगा सभी गमलों में अगर वॉल से हम इस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं तो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ड्रिपिंग इरिगेशन हो रही है। और यहाँ पे फिर मैंने और अच्छे से बताने की कोशिश की, ये बड़ी वाली पाइप देखिए हमने इस तरह से स्ट्रेट सभी गमलों के पीछे लगा दिए और इस तरह से होल करके छोटी छोटी पाइप्स को हमने जो है, जो हमें क्लिप मिली हुई है ना उस क्लिप से, ये देखिए पहले हमने ये जो है इस तरह से पंचर किया, होल किया यानी, और वो जो क्लिप हमें मिली हुई है वो एक साइड पे हमने लगा रखी थी, वो पतली वाली पाइप का पोर्शन हमने बड़ी वाली पाइप में डाल दिया है और इस तरह से हम इसे अच्छे से लगा लेंगे और गमले में अब इसे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। तो ये जो एक एरो टाइप का हमें चीज़ मिली हुई है यहाँ पे, इसको हमने इस तरह से गमले की मिट्टी में लगा देना है ताकि ये अच्छे से होल्ड कर सके इस पाइप को, ताकि ड्रिप जो है गमले में गिरे इधर उधर ना गिरे। तो इस तरह से ये सारा का सारा इरिगेशन का सिस्टम है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया मेरे पास 10 पॉट्स हैं, तो मैंने 10 पॉट वाला ही अभी ये मंगवाया है इरिगेशन किट। और जैसे कि हम लोगों को बाहर जाना होता है, वेकेशंस पे जाना होता है ना, तो गमलों को पानी कौन दे, कैसे दें, तो वो सब चीज़ें जो है इससे शॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स इससे शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इस तरह से और भी इन्होंने करके दिखाए हैं कि इस तरह से इन्हें जो है छोटी वाली पाइप को बड़ी वाली पाइप में इस तरह से लगा के यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं सभी गमलों में एक साथ ड्रिपिंग हो रही है और काम करने वाले आराम से बैठे हैं, काम तो हो गया क्योंकि, और अगर हमें किसी होल के थ्रू जो पतली वाली पाइप लगी है वहाँ पे हमें अगर नहीं चाहिए, किसी कोई गमला नहीं है, वो जगह हमें बंद करनी है, तो इस तरह का ये बटन टाइप का जो है एक स्टॉपर दिया गया है, इसको लगा देना है, वो होल जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। होल बंद हो जाएगा तो पानी निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस तरह से इरिगेशन किट है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।